Christmas tree. Been wondering just what you mean to me. Oh, Christmas tree. Honestly, it's never been much about you. Hi everyone. फ्रेंड्स, आज मैं क्रिसमस डीआईवाई आपके साथ बहुत सारे शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं और क्रिसमस डेकोरेशन में ये आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैंने कुछ पेपर लिए हैं, वाइट पेपर और ब्लैक कलर का पेपर लिया है और एक ब्राउन कलर का पेपर लिया है और कुछ ग्लिटर चाहिए हमें और एक मैंने टी लाइट कैंडल लिए हैं, टी लाइट ली हैं जो हमारी दिवाली में हम लगाते हैं, तो वो होगा, वो लिया है। और हमें तीन शेप काटनी है इसमें और राउंड शेप में इसे हमें तीन शेप देनी है। आप किसी भी टाइप का पेपर ले सकते हैं। यहाँ मैंने ब्राउन कलर का मैंने शादी का कार्ड लिया हुआ है जो मैंने संभाल के रखे हुए थे, उनको थ्रो नहीं किया, डीआईवाई के लिए संभाल के रखे हुए हैं ये। तो सर्कल जो हमें काटने हैं वो हमें बड़ा छोटा फिर सबसे छोटा तीन साइज के हमें काटने हैं और हमें फिर उसे लाइट में लगाना है, जो लाइट है टी लाइट वाली। और इस और ब्राउन पेपर से हमें उसके हैंड्स कटिंग करने हैं स्नोमैन के एंड ब्लैक पेपर से हमें उसके हेड कटिंग करनी है। देन उसके बाद ग्लू की हेल्प से हमें उसको स्टिक कर देना है और उसके बाद हमें जो मैं सिल्वर कलर का ग्लिटर लेना है और ग्लिटर हमें स्प्रिंकल करना है। और अब ब्लैक मार्कर की हेल्प से हमें उसकी आईज बना देनी और फेस बनाना है। और यहाँ जिस तरह से मैं रिबन यहाँ पे हैंग करने के लिए लगा रही हूँ, अगर आपको सीलिंग की तरफ इसको ऊपर की तरफ आपको दिखाते हुए ऐसे लटकाना है, इसे हैंग करना है, तो इस तरह से लगाइएगा। अदरवाइज आपको अगर वॉल पे लगाना है तो इसको आगे की तरफ इसको स्टिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम बजट में हमारा लाइट वाला स्नोमैन रेडी हो गया बनकर और ये बहुत क्यूट लगता है क्रिसमस डेकोरेशन में। और हमारा इसमें कुछ भी ज़्यादा हमें इसमें सामान लेना नहीं पड़ा, परचेज करना नहीं पड़ा, जो घर पे था उससे ये बहुत ही प्यारा हमारा डेकोर पीस बन गया है एक क्रिसमस डेकोरेशन के लिए। तो अब है मेरा सेकंड डीआईवाई और ये है स्टार वाली जो मैं वॉल हैंगिंग टाइप का बनाना चाह रही हूँ डेकोरेशन के लिए। तो ये वो बनाने जा रही हूँ मैं और इसके लिए मैंने जो शिल्पकार क्ले है वो ली है। उसको अच्छे से हमें मिक्स करना होता है दोनों कलर को, जो एक ब्लैक और ग्रे वाइट होता है, ग्रे और वाइट, इन दोनों को अच्छे से हमें मिक्स करना होता है। उसके बाद जो रेडी होगा उसके बाद हमें उसमें से स्टार कटिंग करनी है। स्टार कटिंग के लिए मेरे पास कुकी कटर था जो सबसे छोटा वाला स्टार है, उससे मैं कट कर रही हूँ, बट थोड़ा सा मोटा वाला बेलिएगा, ज़्यादा पतला नहीं तो अदरवाइज में होल नहीं होगा जो उसमें होल करना चाह रहे हैं हम, ताकि उसमें अच्छे से वायर चली जाए या उसमें धागा चला जाए जो आप जो धागा आप डालेंगे उसमें डेकोरेशन के लिए वो। और जितना पेयर मैंने क्ले में से लिए थे उसमें से ये थोड़ा सा बच गया है, तो इसको मैं अभी रख रही हूँ क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट डीआईवाई है उसमें ये काम आएगा। और इसमें अब हमें होल करना है और जब आप स्टार इसमें से कटिंग कर लेंगे जब उसके बाद जब 5-10 मिनट बाद रखने के बाद उसको तब आप इसमें होल करिएगा। और मैं यहाँ निडल से होल कर रही हूँ और उसको अच्छे से थोड़ा सा घुमा के कीजिएगा ताकि वो बाद में होल बंद ना हो, इस तरह से फिर उसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ ये अच्छे से ड्राई हो गए हैं, उसके बाद मैं इनको यहाँ पे सुई से इनको डाल रही हूँ, बट मेरा थोड़ा सा थ्रेड मोटा हो गया था। अगर आप होल जिस तरह से बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप धागा लीजिएगा। और मेरे किसी किसी में होल थोड़े से हुए नहीं ठीक से, और जिसमें होल नहीं हुए मैंने वहाँ पे हॉट गन ग्लू की हेल्प से मैंने इनको उस वायर में उस पर थ्रेड में मैंने इसको स्टिक कर दिया था।
और इसमें एक स्ट्रार डालने के बाद हमें नॉट लगानी है ताकि उसमें डिस्टेंस आए, उसमें जितना हमें रखना है बीच में। और बाकी जिसमें होल नहीं हुआ है उनको हम अगर हॉट गन ग्लू से स्टिक कर रहे हैं तो उसमें हमें नॉट लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और एक ही झालर टाइप की रेडी हो जाती है डेकोरेशन के लिए। और अब है हमारा थर्ड DIY और ये बहुत ही यूनिक टाइप का स्टार बना रही हूँ मैं। और इसके लिए मैंने एक लंबे वाले टूथपिक आती है वो ले ली है और मैंने ऊपर से जो उसका पॉइंटेड था वो थोड़ा कट कर लिया है। और इस तरह से इसको पहले स्टार की शेप देंगे, उसके बाद कोई भी आपके पास गोल्डन थ्रेड रखा हुआ है तो उसको हमें लपेटना है चारों तरफ और एक स्टार का एक अच्छा सा एक उसमें गोल्डन टच देना है उसमें। तो ये बहुत ही प्यारा एक यूनिक टाइप का स्टार बन गया है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं ये वाला डिजाइन। और नेक्स्ट डे भाई है रथ और ये मैं बना रही हूँ पुराना कोई भी पुराने हैंगर से जो आपका वायर टाइप का हो उससे बनाना है। उसको खोल कर उसको हमें राउंड शेप में देना है विद द हेल्प ऑफ प्लायर। उसके बाद मैं इसे कोई भी रिबन से या ग्रीन कलर की आपके पास जो सैटिन का फैब्रिक हो उससे हमें इसे कवर कर देना है ग्रीन कलर में। और लेने ये छोटे से छोटे छोटे वायर और इसको लगाने के लिए जो वायर के टुकड़े हैं वो ले लीजिए। और घर में कोई भी वाइन क्रीपर पड़ी हो वो आप ले लीजिए ग्रीन कलर की जो हो, तो वो पूरी इसमें आप लपेट दीजिए अच्छे से इसमें। और डबल ट्रिपल करके आप जैसे डबल करके लपेट दीजिए इसमें तो अच्छा सा बंच इसमें आ जाएगा, लुक आ जाएगा इसका रैथ का। और उसके बाद जो भी आपके पास छोटे से फ्लावर आर्टिफिशियल फ्लावर है या बच्चों के हेयर बैंड के भी फ्लावर होते हैं वो जो भी आपके पास पड़े हों इस टाइप के, तो आप इसमें स्टिक करके एक सुंदर सा एक बहुत ही ब्यूटीफुल रैथ बन जाता है। और यहाँ मैं आर्टिफिशियल वाइन क्रीपर की बात कर रही हूँ। और अगर आपको इसमें और भी कुछ इसमें ऐड ऑन करना हो तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर के बंच आते हैं वो भी आप इसमें स्टिक कर सकते हैं तो भी इसका बहुत अच्छा लुक आता है। और उसके बाद फेरी लाइट से इसे डेकोरेट कर दीजिए तो इससे बहुत ही प्यारा इसका लुक आएगा। और यहाँ मैं एक बो लगा रही हूँ, बो रिबन है मेरे पास, ये भी कोई गिफ्ट आया हुआ था तो उसमें से ये मैंने संभाल के रख दिया निकाल कर। और इस टाइप की चीजें मैं थ्रो नहीं करती हूँ, मैं उनको संभाल के रखती हूँ ताकि वो DIY में काम आ जाए। और इससे मेरे बीच में बेल भी लगा दी है तो इससे और भी इसका लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है इसका रथ का। तो ये है हमारा बजट फ्रेंडली रथ। और अब नेक्स्ट DIY है मेरा बहुत ही क्यूट से एल्फ पपेट्स। और लेने हैं यूज एंड थ्रू वाले ग्लास छोटे कॉफी वाले और हॉट गन ग्लू, कलर्स लेने हैं फेविकॉल और जो ये मैंने दो क्ले दिखाए थे आपको जो राउंड वाले बचे हुए थे उससे, तो ये वो है। बट अभी आगे और हमें बनाने हैं और अभी हमें रिबन भी लेना है इसमें, तो उसके लिए मुझे एक ग्रीन शीट चाहिए थी जो दोनों तरफ से ग्रीन कलर में हो, तो वो मुझे मिली नहीं तो मैं दोनों को मैं स्टिक कर दूंगी। और ग्लू लगा के यहाँ मैंने शीट को मैंने चिपका दिया है, दोनों तरफ से मुझे ग्रीन कलर की वो मिल जाएगा वो शीट, तो इस तरह से मैंने उसको चिपका दिया है। और दोनों ग्लास में हमें कलर करना है, एक में रेड और एक में ग्रीन, और दो कोट करना है इसमें। जब एक ड्राई हो जाए, फर्स्ट वाला कोट ड्राई हो जाए, देन यू कैन अप्लाई सेकेंड कोट।
यहाँ मैंने रिबन थोड़ा चौड़े वाला लिया है बिकॉज मुझे पतला वाला नहीं मिला है, बट अगर आपके पास हो तो वही यूज कीजिएगा। जैसे मैं इसको कट करूंगी रिबन को, तो वो धागे निकल जाते हैं, फिर उसको हमें आग में थोड़े से वो करना पड़ता है उनको, ताकि वो धागे ना निकले जैसे कैंडल से। तो अगर आपके पास पतले वाले हों तो आप वही यूज कीजिएगा। और यहाँ ग्लास जो है ये थोड़े मेरे बड़े वाले हैं, और अगर आपके पास और छोटे वाले ग्लास हो तो वो बेटर रहेंगे। और अब यहाँ मैं पपेट्स के लेग्स और हैंड्स बनाने के लिए उनको उसको कट करूंगी, और जिस तरह से ग्रीन वाले कटिंग किए हैं हमने, इसी तरह से हमें रेड वाला भी कट करना है। और फिर से मैं शेप कर क्ले ले रही हूँ, उसी से उससे मुझे क्योंकि हेड बनाना है पपेट के, और लेग्स और हैंड्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें और हेड थोड़ा बड़ा बनाना है, और हाथ और उनके छोटे गोल राउंड बनाना है, और उनके अंदर होल कर देना है। उसके बाद ड्राई करने के बाद इसको फिर बनाना है। और अब मैं कटिंग कर रही हूँ हैट इनकी, और हैट जो है हमारी जो इसकी जो हमने ग्लास लिया है उसका मेजरमेंट करके देखेंगे, उससे हमें 1.5 इंच हमें लंबी चाहिए उसकी हैट, तो ये उसका मेजरमेंट रहेगा। जो जो पपेट है उनका, जो आप जो भी ग्लास ले रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा उसे हैट लंबी आएगी 1.5 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हाफ सर्कल, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। और इस तरह से जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, इसे से मोड़ के, और फिर हमें हॉट गन ग्लू से इसे कैप बनानी है, स्टिक करनी है। और हेड के ऊपर हमें पॉम्पम लगाना है, और एक मेरे पास रेडीमेड पॉम्पम था बट दूसरा नहीं था, तो वो मैंने कॉटन से बना के लगा लिया है। और इसके बाद जो हमने रिबन काटे हुए हैं इनके हाथ पैर उसके लिए, तो उनको हमें जो हमने जो बॉल बनाई हुई है उसकी क्ले की, उसके अंदर हमें डालना है और एक नॉट लगा देनी है नीचे, और इसी तरह से हैंड्स में भी करना है, दोनों ऐसे ही रेडी करने हैं। और उसके बाद हमें जो हमने हेड बनाया हुआ है उसमें हम इसमें आईज और जो फेस है उसका पूरा फेस ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ मैं जो मैंने क्ले ली है फ्रेंड्स, मेरे पास वुडन बीड्स नहीं है, अगर आपके पास बीड्स हो तो उससे बहुत अच्छा लगेगा, आपको फिर क्ले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप बीड्स आपके बड़े हों छोटे वाले हों तो वो यूज हो जाएंगे इसमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आप सर्कल वाला हेड बनाएंगे ना, तो आप जो कैप बनाएंगे हेड बनाएंगे ना, तो उसका मेजरमेंट एक बार उसको करके देख लेना राउंड करके, कि उसके अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके बाद ही उसे स्टिक कीजिएगा। और जो मैंने फेस बनाया हुआ है और उसका जो लेग्स और हैंड्स बनाए हुए हैं उनमें भी मैंने स्किन कलर पेंट कर दिया था। और इस तरह से होल करना है हमें ग्लास में, ताकि उसमें से जो हमने हेड उनके जो फेस वो बनाया हुआ है, हैंड्स और उनके लेग्स बनाए हुए, वो हम इसमें से अंदर से इसको निकाल के उसमें स्टिक कर सकें। और उसके लिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट कर लिया है इनको, तो जैसे आप नाप रखेंगे ना, जो उसमें एक आप मार्क लगा दीजिएगा, उस मार्क पे आप ग्लू स्टिक से उसे फिर स्टिक कर दीजिएगा। तो ये क्यूट से एल्फ पपेट्स भी रेडी हो गए हैं, और ये है मेरा लास्ट DIY। और इसके लिए मैंने जो ग्लिटर शीट थी रेड कलर की, उससे मैंने सॉक्स कट कर लिए, बहुत सारे सॉक्स कटिंग करी है मैंने, और स्टार कटिंग किए हैं मैंने सिल्वर वाले से, ताकि मैं इसको एक वॉल पे इसे अच्छा सा एक मैं जो पूरी झालर जैसे एक लुक आता है वो मैं दे सकूं। और इसको मैं रिबन में और एक जो सिल्वर वाला थ्रेड है उसमें स्टिक करूंगी। इस तरह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस में मैं फेविकॉल की हेल्प से मैं इसको स्टिक करूंगी। और जो स्टार में स्टिक कर रही हूँ जो थ्रेड में सिल्वर थ्रेड में, तो उसके लिए मैं मास्किंग टेप यूज कर रही हूँ, और बिजली की टेप भी यूज कर सकते हैं छोटे छोटे कट करके। और मैंने सेलो टेप से लगाने की कोशिश करी तो उससे नहीं लगा, और इससे अच्छे से लग गया इससे।
और ये वॉल को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही प्यारा सा एक झालर रेडी हो जाता है इस तरह से। ये दोनों इस तरह से मैंने रेडी कर दिए हैं। और फ्रेंड, इसके बाद मेरी वीडियो आएगी क्रिसमस डेकोरेशन की, तो वो मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सारे क्रिसमस DIY थे और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी, बिकॉज उसमें मैं क्रिसमस डेकोरेशन का एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें ये मैं सारे यूज करके दिखाऊंगी आपको कि मैंने किस तरह से डेकोरेशन किया है। सो डोंट मिस माय नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोटिवेशन एंड हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, बी पॉजिटिव एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।